ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं निकलता हूँ। ठीक है, एक काम करो, सावी को लेकर अपने साथ जाओ शॉपिंग के लिए। कल करवा चौथ है ना, सावी के लिए नए कपड़े ले लेना। लेकिन माँ। लेकिन ऑफिस भी जाना है तो ये भी तो करना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए कैश रखो। सावी निकली करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, बीच रस्ते में छोड़ा नित्यम ने सावी का साथ। पड़ोसियों ने मारे सावी को ताने। जी हाँ, कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल सावी की सवारी के अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि शादी के बाद सावी का नया सफर शुरू हो चुका है और उसके सफर की शुरुआत हुई है करवा चौथ के व्रत के साथ। जी हाँ, सावी रखने वाली है नित्यम के लिए करवा चौथ का व्रत और इसी के चलते नित्यम की मॉम नित्यम से कहती है कि वो जाकर सावी को शॉपिंग करवाए करवा चौथ के लिए। वही नित्यम पहले तो आनाकानी करता है, उसके बाद वो अपनी मॉम की दी हुई सलाह को मान लेता है और सावी को लेकर जाता है शॉपिंग। लेकिन हम आगे देखेंगे कि नित्यम सावी को 1,00,000 रुपए कैश हाथ में देता है और सीधा गाड़ी से बीच रस्ते में उतार देता है और उसे कहता है कि वो अकेली ही अपनी शॉपिंग करे। तो हम आगे देखेंगे कि सावी शॉपिंग करने के बजाय अपने घर वापस जाती है, लेकिन सावी को हनुमान गली में देखकर पड़ोसी हैरान हो जाते हैं और सावी को ताने मारने लगते हैं। वेल, सावी के बदले हुए रंग रूप को देखकर पड़ोसी काफी सारी बातें बनाने लगते हैं और सावी पर सोनम की शादी को तोड़ने का आरोप भी लगाते हैं। ये सुनकर सावी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं अब देखना यह होगा कि पड़ोसियों के ताने को किस तरह से हैंडल कर पाती है सावी। वेल, इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।